इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन आईटीआई सूचना के अधिकार के तहत किसी भी सरकारी विभाग से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करके आईटीआई के तहत जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो आईटीआई की ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की ITI.gov.in, हम उस पर चलेंगे। तो चलिए हम वेबसाइट पर चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ITI टाइप करेंगे, ITIonline.gov.in। तो हमारे सामने ये जो ITI ऑनलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। हमें जैसे ही हमारे सामने विंडो ओपन होती है हमें सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी गाइडलाइन दी हुई है, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आई हैव रीड एंड अंडरस्टेड द अबो गाइडलाइन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने ये ITI का रिक्वेस्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट से आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो आप डिपार्टमेंट आता हो, यहाँ पूरे डिपार्टमेंट दिए हैं, तो आप जो भी जिस भी डिपार्टमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप उसकी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पब्लिक अथॉरिटी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद कौन सी पब्लिक अथॉरिटी है, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड पब्लिक अथॉरिटी है, कहाँ पे उसका ऑफिस है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ आ जाएगी। आप उसको चूज़ करके यहाँ से जो है आप डिटेल यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम फिल कर देंगे, यहाँ पे आप आपका जेंडर पे टिक कर देंगे, यहाँ आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे, यहाँ आप अपना पिन कोड कर देंगे, ठीक है। कंट्री में आप इंडिया कर देंगे, स्टेट के में आप अपना जो भी आपके स्टेट है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेटस आप ग्रामीण एरिया में हैं या शहरी क्षेत्र में हैं, आप जो भी हैं उस पर टिक क्लिक कर देंगे, रूरल या अर्बन। इसके बाद आप अपना एजुकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आप इलिटरेट हैं या लिटरेट हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं या अशिक्षित हैं। यदि शिक्षित हैं तो आप ग्रेजुएट हैं, ट्वेल्थ तक हैं, ट्वेल्थ से नीचे हैं या अबव ग्रेजुएट हैं, जो भी हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी टाइप करना होगी। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आप नीचे यहाँ सिटीजनशिप में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको इंडिया ही रहने देना है यदि आप इंडियन हैं तो, ठीक है। इसके बाद यदि आप पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसे आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं आपको वो यहाँ टाइप कर देना है, ठीक है। इसके बाद यदि आप अपनी जो जानकारी चाहते हैं उसके कागज़ में आवेदन के रूप में लिख के उसे यहाँ अटैच भी कर सकते हैं, यहाँ चूज़ फाइल करके आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप अपनी जो है एप्लीकेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर सकते हैं। वो PDF में होना चाहिए, अधिकतर एक MB तक होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चर कोड जो यहाँ नीचे दिया है वो यहाँ शो करना होगा, ठीक है। इसके बाद आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको जो पेमेंट करना है ITI एप्लीकेशन का वो भी आपको यहाँ ऑनलाइन करना होगा। इसके बाद आप यहाँ इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पेमेंट के लिए आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। ये आप जैसे ही यहाँ अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल के पे करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा, और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसकी जानकारी जो है वो आपके रजिस्टर आपने जो ईमेल आईडी डाला है या मोबाइल नंबर डाला है उस पर आपको मैसेज या ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस भी यहीं ITI ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाके आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आप जैसे ही साइट पर जाएंगे व्यू स्टेटस पर क्लिक करेंगे, व्यू स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, अपना जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आपकी एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आपकी ईमेल आईडी पे आएगा वो आप यहाँ टाइप कर देंगे। उसके बाद आप अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ टाइप कर देंगे। उसके बाद जो ये कैप्चर कोड दिख रहा है उसे आप यहाँ टाइप कर देंगे और सबमिट कर देंगे, तो आपका एप्लीकेशन को जो स्टेटस है वो आपके पास यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे द्वारा इस वीडियो में आपको बताया गया है कि आप सूचना के अधिकार के तहत ITI के माध्यम से ऑनलाइन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, सरकारी विभाग से ऑनलाइन माध्यम से किस तरीके से आप जानकारी या इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई इस सूचना एवं जानकारी को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें एवं लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।